हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, आप उसमें अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि शुरुआती एग्जाम्स में से है हिंदी का एग्जाम पहले आपका। सो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो जो आपको ज्यादा टेंशन भी ना लेनी पड़े और अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो वो भी कवर अप हो जाए। तो यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है। सो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे नोट्स की पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। ये जो लिखा हुआ है एज इट इज आपको कॉपी मार के वहां पे लिखना है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं, आपको क्या करना है। अगर आप बुक उठा के बैठोगे हिंदी की लास्ट टाइम पे, मैं कह रहा हूं आपको 100 में से 10% भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप बुक से पूरे साल भी पढ़ोगे ना तो भी आपके सर के ऊपर ही जाने वाला है। आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना होता है, शॉर्ट समरीज देखनी होती है ताकि आपको चैप्टर याद हो जाए बहुत ही ज्यादा आसानी से वन शॉट में। सो उसके लिए हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, हिंदी इलेक्टिव अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी इलेक्टिव की प्लेलिस्ट भी दी गई है, हिंदी कोर अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी कोर की भी लिंक दी गई है। हम दोनों ही तरह की हिंदी पढ़ाते हैं। सो अब आपको करना क्या है, आप इस पे नोटिस करोगे तो एक वीडियो होगी इजी एक्सप्लेनेशन की और उससे अगली वीडियो होगी उसके क्वेश्चन आंसर्स की। आपको ये दोनों देखनी है, 7-7 मिनट की, 8-8 मिनट की वीडियोस हैं। आप ये मान के चलो 10 से 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर हो जाना है, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, आपका चैप्टर वाला जो समरी वाला पोर्शन होता है वो भी हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, आज ही से आपको ये काम करना स्टार्ट कर देना, ये आपका पहला टास्क है सबसे पहले। और ज्यादा डिले करोगे तो लास्ट में प्रेशर आएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे। अभी बहुत कम टाइम बचा है, सो अभी कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। और बुक को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है हिंदी सब्जेक्ट में, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है? ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, आपको चैप्टर वाइज जो जो डाला हुआ है वो देखना है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी फॉलो करने हैं। चैप्टर वाइज वीडियोस तो अवेलेबल है ही है, जिसका लिंक मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो हमारी नई आ रही है, न्यू सीरीज है 2024 वाली, वो देखनी है। उसमें वो क्वेश्चंस लिए जाते हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, आप उनको कर लोगे तो मोस्टली वही आपके पेपर में सवाल दिखेंगे आपको। अब फिर बात रहती है कि जब सब कुछ कर लेंगे तो फिर हम अपना लास्ट मोमेंट पर रिविजन कैसे करेंगे। तो आप अगर यहां से कवर अप कर लेते हो तो मैं आपको फिर सैंपल पेपर करवाऊंगा, सैंपल पेपर 2-3 करवा दूंगा, इनफ है। 2-3 सैंपल पेपर में आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे क्वेश्चंस जो आपने याद करे होंगे वो भी आपके एक बार ही दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। सैंपल पेपर आपको कर लेना है। और एग्जाम टाइम पे मैं आपको एक वन शॉट वीडियो भी दूंगा जिसमें पूरा सिलेबस एक सिंपल वीडियो, एक ही सिंगल वीडियो के अंदर कवर अप होगा। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज आप अगर आज से फॉलो करने लगोगे, डेली आप अपना 1 घंटा दो हिंदी को, या आधा घंटा भी दो काफी है। आधा घंटा दोगे तो आप दिन में 2 चैप्टर कर लोगे डेली के, मैं आपको बता दूं 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है ओनली। और अभी से करने बैठोगे तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का, फिर आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि हिंदी का स्टार्टिंग का एग्जाम है और स्टार्टिंग वाले एग्जाम की अहमियत होती है कि उसी से आपका मोमेंटम बनता है आगे का, मोटिवेशन। अगर आपका पहला एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसका असर आगे के एग्जाम्स में पड़ता है, ठीक है? अगर आपका हिंदी का एग्जाम बेकार गया ना, आप मेंटली वो अच्छा फील नहीं करोगे अगले एग्जाम के लिए। और अगर हिंदी का बहुत ही अच्छा पेपर करके आ रहे हो तो आपका अगले एग्जाम में मोटिवेशन ऑलरेडी बूस्ट अप होगा बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस। ओके, सो ये सारी बातें हैं। और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल सी है, ज्यादा मैंने कुछ घुमा फिरा के नहीं बताया है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। आप आज ही से इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको हिंदी में कहां कहां पर दिक्कत आती है। कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए, आप जाओ और अपनी दिक्कतों को लिखो, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो हिंदी में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।